भगवती माता काली की पूजा सेवा करते हैं और उनसे प्रसन्न होकर जब माता काली की सवारी उनके शरीर में आती है तो उस सवारी के आने के बाद उनके शरीर में कुछ शारीरिक बदलाव आते हैं साथ ही कुछ मानसिक बदलाव भी उनके शरीर में आते हैं कई लोग ये समझ नहीं पाते कि ये माता काली की सवारी आने के लक्षण होते हैं माता काली की जब सवारी आ रही होती है उस समय पर ये लक्षण आपको दिखाई देते हैं आपके शरीर में बहुत सारे बदलाव होने शुरू हो जाते हैं साथ ही मानसिक रूप से भी आपका व्यवहार पूरी तरीके से बदलना शुरू हो जाता है आपके सोचने समझने की शक्ति भी पूरी तरीके से बदल जाती है और आपके शरीर के कार्य करने की जो क्षमता है प्रणाली है वो भी पूर्ण रूप से धीरे धीरे बदलती चली जाती है माता काली शक्तियों में महाशक्ति हैं और प्रमुख शक्ति हैं जिस प्रकार से भगवान शिव जो हैं वो संघार के देवता हैं उसी प्रकार से माता काली भी संघार की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती हैं इनके कई स्वरूप हैं और माता दुर्गा से उत्पन्न होकर जब शुभ और निशुम्भ का इन्होंने वर्ध किया था उसके बाद इनका शरीर जो काला पड़ा जिस कारण इन्हें काली कहा जाता है माता काली के भी कई रूप होते हैं रक्त काली बीज काली महाकाली शमशान काली माता काली के भी कई रूप होते हैं उग्र काली महाकाली इस तरीके से और इनकी उपासना करने से भय का नाश होता है साथ ही आरोग्य की प्राप्ति होती है और माँ काली सदैव अपने भक्तों की रक्षा करती हैं और शत्रुओं का संहार करती हैं माता काली के मात्र नाम लेने से माता काली के मात्र नाम लेने से सभी जो पाप ग्रह हैं उनका जो प्रभाव है वो नष्ट हो जाता है और विशेषकर जो राहु और केतु होते हैं और जो शनि होते हैं इनकी उपासना करने से माता काली की उपासना करने से इनका दुष्प्रभाव जो है वो शांत हो जाता है माता काली की पूजा दो तरीके से की जाती है सात्विक रूप से और तामसिक रूप से की जाती है जो लोग गृहस्थी हैं उनके लिए विशेषकर सात्विक रूप से माँ काली की पूजा करनी चाहिए और माँ का जितना सौम्य स्वरूप आप ला सकते हैं जितना सौम्य जितना सुंदर स्वरूप आपको ला ला सकते हैं उतना सौम्य स्वरूप आपको अपने घर में स्थापित करना चाहिए मेरे घर में जो माँ की प्रतिमा है वो मैं आपको दिखाऊंगा जो मूर्ति है जो फोटो है माँ की वो दिखाऊंगा मैं वो माँ की जो तस्वीर है वो इतनी सौम्य है माँ के जो चरण है वो जो लाल के पुष्प पर माँ के चरण हैं और माँ का जो चेहरा है वो मुस्कराता हुआ चेहरा जिसमें जीव नहीं निकली हुई है माँ काली की तो ऐसा स्वरूप माता काली का अपने भक्तों का उद्धार करने वाला है गृहस्थी जीवन में ऐसे स्वरूप की पूजा करनी चाहिए और माता काली की पूजा में विशेषकर काले वस्त्रों का प्रयोग होता है तामसिक रूप से पर लाल वस्त्रों का जो प्रयोग होता है वो सात्विक रूप से माँ काली का होता है माँ काली का शनिवार का जो दिन होता है वह विशेष होता है और माँ काली की उपासना करने से समस्त दुखों का नाश होता है सदा माता काली पर कृपा करती है तो मैं सबसे पहले आपको शारीरिक बदलावों के बारे में बता देता हूँ कि शारीरिक बदलाव आपके शरीर में क्या आने शुरू हो जाते हैं सबसे पहले एक शारीरिक बदलाव आपके शरीर में आता है वो आता है चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो पुरुष या महिला हो उसका श्रृंगार करने को मन करता है सिंदूर डालने को मन करता है हाथ में चूड़े पहनने को बिछिया पहनने को उसका मन करता है और साथ ही जो लहंगे होते हैं इस प्रकार से साड़ी लहंगे पहनने का उसका मन करता है इस प्रकार का जो शारीरिक बदलाव है वो उस व्यक्ति के अंदर आता है चेहरा का जो हल्का सा रंग है वो गहरा काला पड़ना शुरू हो जाता है साथ ही शरीर से खुशबू आने लगती है एक अच्छी से सुगंध माँ काली के प्रभाव से आने लगती है और रात को जागने को मन करता है उस व्यक्ति का नींद जल्दी से नहीं आती नींबू खाने को मन करता है उस व्यक्ति का जिस पर माता काली की सवारी आती है सारी साथ ही शरीर के किसी भी अंग कोई हिलने की आदत हो जाती है जैसे सिर हिलने की कंधा हिलने की हाथ हिलने की पैर हिलने की आदत उस व्यक्ति में पड़ जाती है ये शारीरिक बदलाव होते हैं जो उस व्यक्ति के अंदर आते हैं उसी प्रकार से कुछ मानसिक बदलाव भी उस व्यक्ति के अंदर आते हैं कहा जाता है कि जिस भी देवी या देवता की आप पूजा करते हैं उनके गुण आप अपना लेते हैं आपके अंदर वो गुण स्वयं ही आने शुरू हो जाते हैं इसी प्रकार से जो माता काली माँ भगवती की उपासना करते हैं उनके अंदर भी ऐसे ही कुछ गुण आते हैं सबसे पहला गुण आता है उन्हें गुस्सा बहुत आता है उनको गलत बात बर्दाश्त नहीं होती उनको झूठ बर्दाश्त नहीं होता उनको गलत चीज़ बर्दाश्त नहीं होती और अधर्म तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता कि कोई व्यक्ति कोई धोखा कर रहा है ऐसे लोगों पर उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है साथ ही होने वाली जो घटनाएँ हैं उनका पता उनको बहुत जल्दी चल जाता है और जो डर है वो पूर्ण रूप से उनके अंदर से ख़त्म हो जाता है चाहे वो रात का डर हो चाहे वो किसी और चीज़ का डर हो चाहे वो इस संसार का डर हो वो डर जो है वो खत्म हो जाता है साथ ही उनके निर्णय लेने की क्षमता बहुत जल्दी विकसित हो जाती है बहुत ज़्यादा विकसित हो जाती है वो बहुत जल्दी निर्णय ले लेते हैं जितने निर्णय निर्णय लेते हैं वो सब उनके हित के लिए होता है और मन के प्रश्नों का उत्तर उनको मन में ही मिलना शुरू हो जाता है सामने वाले व्यक्ति के बारे में धीरे धीरे उन्हें पता चलना शुरू हो जाता है उनके मन में ही उनके विषय में उनका नाम क्या कहाँ से आए क्या परेशानी है वो सारी चीजें पता चलने शुरू हो जाते हैं और काले कपड़े पहनने को उस व्यक्ति का मन करता है तो ये कुछ मानसिक बदलाव होते हैं जो कि उस व्यक्ति के अंदर आते हैं अब मैं आपको बता देता हूँ कुछ ऐसे नियम जिनके द्वारा आप माता काली को प्रसन्न कर सकते हैं और माँ काली की कृपा प्राप्त कर सकते हैं मैं आपको एक बात बता दूं माँ काली ममतामयी है अपने बच्चों को अपनी ममता की छाव में रखने वाली हैं कभी भी माँ से डरने की आवश्यकता नहीं है माँ दुष्टों का संहार करने वाली हैं असुरों का संहार करने वाली हैं उन्हीं के लिए ही वो भयावह हैं अपने बच्चों के लिए वो सदा ही ममतामयी हैं ममता की सागर हैं और सदा अपने बच्चों पर अपना प्यार लुटाती हैं सबसे पहले माता काली की जब भी आप पूजा करें तो आप अपने सामर्थ्य अनुसार तिल के तेल का की ज्योत जलाएं सरसों के तेल की या फिर घी के तेल घी की ज्योत जलाएं अगर उत्तम रहेगा कि आप माँ के सौम्य स्वरूप के लिए तिल के तेल की ज्योत जलाएं साथ ही माँ काली के सामने गूगल की धूप आपको जलानी है शनिवार को दो सफ़ेद रसुल्लू का भोग माँ काली का आप अपने घर में लगाएं साथ ही मां काली से प्रार्थना करें किसी के बारे में भी गलत ना सोचें किसी के बारे में भी गलत प्रार्थना ना करें सदैव दूसरों के सुख की कामना ही करें माँ काली के लिए जो मंत्र है ओम क्रिम कालकायनमा कालकायनमा ओम कृम कालकायनमा का ओम कृम कालकायनमा की प्रतिदिन कम से कम एक माला एक सौ आठ बार इस मंत्र का जाप आपको करना चाहिए मंत्र जाप के दस मिनट बाद मंत्र जाप के दस मिनट बाद दस मिनट तक उस माला को गले में धारण कर लीजिए और माँ काली से प्रार्थना कीजिए कि हे माँ इस ऊर्जा को मेरे शरीर और आत्मा में आप विसर्जित कीजिए ताकि ये ऊर्जा मेरे शरीर के अंगों को यानी चक्रों को खोल पाए और जब आप इस प्रकार से प्रार्थना करेंगे तो माँ काली आपसे प्रसन्न होंगी और आपकी तमाम इच्छाओं को पूर्ण करेंगे माता काली को शनिवार के दिन अगर आप चुनरी नारियल फूल प्रसाद आप चढ़ाते हैं मंदिर में तो माँ काली अत्यंत प्रसन्न होती है या कन्याओं को आप जब भोग लगाते हैं कन्याओं को अगर आप हलवा पूड़ी इस प्रकार से भोग लगाते हैं तो माँ काली बहुत जल्दी प्रसन्न होती है माँ काली के जो सबसे प्रिय फूल हैं वो गुड़हल का फूल माँ काली को अत्यंत प्रिय होता है और हलवे का और दूध से बनी जो मिठाई होती हैं उनका भोग माँ काली को बहुत प्रिय होता है इसलिए माँ काली को प्रसन्न करना है तो आप हर शनिवार दो रसगुल्लों का भोग लगाइए और माँ काली की जोत जलाइए माँ काली का सदैव ओम क्रीम कालिका एवं नमाम मंत्र का जाप करते रहिए तो माँ काली अत्यंत प्रसन्न होकर आप पर अपनी कृपा करेंगे और सवारी भी माँ काली की प्राप्त होगी मुझे आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी पहली बार शिव कृपा पर परिवार पर हैं तो वीडियो के नीचे जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए और लोगों तक ताकि और लोगों तक माँ की ममता में ये जानकारी जाए और लोग भी माँ के भक्त माँ के साधक इस जानकारी से फ़ायदा उठा पाएँ आपके सीधा हाथ जो बेल आइकन पर आल पर क्लिक कीजिए ताकि पूजा पाठ भक्ति साधना से संबंधित जानकारियां सदा ही आपको मिलती रहे बाबा भोलेनाथ और तो महाकाली से मैं विनती करता हूँ कि वो आप पर कृपा करे आपके घर पर कृपा करे सदैव आपकी झोली भरती रहे हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ तब तक के लिए ओम नम शिवाय ओम नम शिवाय ओम नमस्वा